17 मई के बाद सरकार का क्या प्लान है इस बारे सरकार पहले घोषित करे ताकि जनता को असुविधा ना हो। अचानक अगला प्लान घोषित करने से जनता में जहां अफरा तफरी का माहौल बन रहा है, वहीं भारी कठिनाई भी लोगों को उठानी पड़ रही है। अतः समय रहते सरकार को चाहिए कि वह अगला प्लान तैयार करे। ये विचार हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से व्यक्त किए हैं। 17 मई के बाद जनता के लिए सरकार का क्या प्लान है, हमारे सरकार से आग्रह है कि इस बारे में समय रहते पहले सरकार जो है घोषणा कर दे, क्योंकि अचानक से घोषणा करने से जनता के बीच जहां अफरा तफरी का माहौल बन रहा है, वहीं लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारा आग्रह है कि समय रहते एक हफ्ता पहले सरकार 17 तारीख के बाद का अपना प्लान जो है वो जनता के बीच दे दे, ताकि जनता जो है उसी अनुसार जो है वो अपनी सारी सुविधाएं जो हैं उनको कर ले। उन्होंने हमीरपुर में आज सुबह प्रशासन की लापरवाही से फैली अफवाह पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे जाहिर होता है कि अधिकारियों में आपसी तालमेल की कमी है, जिसकी वजह से ये सनसनी फैली। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश की जनता ने इस संकट की घड़ी में सरकार का साथ दिया है, उसके लिए प्रदेश की जनता का कांग्रेस पार्टी धन्यवाद करती है और आगे भी अपील करती है कि बचाव के उपाय नियमों में सख्ती के साथ पालन करेंगे, अवश्य कार्य के लिए ही घर से निकलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊपर कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, अतः सभी लोग एहतियात बरतें ताकि इस महामारी से निजात मिल सके। दूसरी बात कि आज जिस तरह से एक अफवाह प्रशासन की गलती से फैली, उससे जो अफरा तफरी का माहौल बना, उससे ये जाहिर होता है कि प्रशासन के बीच आपसी तालमेल नहीं है। प्रशासन अपना तालमेल बनाए। अगर यही झूठी खबर की अफवाह अगर किसी मीडिया कर्मी ने या किसी साधारण व्यक्ति ने की होती तो आज को उसके ऊपर मामला दर्ज करके उसको जेल में डाल दिया होता। दो कानून देश में नहीं हो सकते कि सरकार के नुमाइंदों के लिए अलग हों, प्रशासनिक अमले के लिए अलग हों और जनता के लिए अलग हों। इसलिए इसके ऊपर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए और आगे के लिए इसमें ऐसी लापरवाही ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि ऐसी अफवाहें ना फैलें। हम जनता का धन्यवाद करते हैं कि पिछले 48-49 दिनों से प्रदेश की जनता ने पूरा सहयोग समर्थन जो है इस कोरोना महामारी से निपटने में दिया है। आगे भी आप ऐसे ही समर्थन देते रहें और आवश्यक कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलें और जो भी एहतियात बरतने हैं उनको अवश्य आप बरतें, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है। इसलिए हम एहतियात बरतें, यही हमारे लिए, प्रदेश के लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए उचित होगा। धन्यवाद।